डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने आज इस बात पर रिप्लाई देते हुए कि सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई अपडेट का क्या हाल है, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सुशांत मेरे लिए हीरो नहीं एक विक्टिम थे क्योंकि मैं उन्हें जानता नहीं था और जब भी समय आएगा जितनी ज़रूरत होगी उतनी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और जिस शख्स ने ये सवाल उनसे ट्विटर पर पूछा था उन्होंने रिप्लाई किया कि आप जो है मेरे साथ इन्वेस्टिगेशन में पार्टनर नहीं है जो मैं आपको अपडेट दूँ, और साथ में उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी पर भी आवाज़ उठाई थी। उन्होंने कहा था जिस तरीके से सुशांत के साथ हुआ है वो ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि देश में भी ये दिखाता है कि कैसे आतंकी घुसपैठ हो रही है। अब उनको जो है रिप्लाई किया बहुत सारे लोगों ने और उनसे पूछा गया कि ठीक है हम मानते हैं कि नेशन जो है सबसे ऊपर है बट वी स्टिल वॉन्ट कल्प्रिट्स टू बी पनिश्ड एट ऑल कॉस्ट, जिस पर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने फिर से जवाब दिया। उन्होंने कहा वेयर इज द रेलिवेंस ऑफ बट इन यूअर रिप्लाई ट्वीट, कि तुम अगर मानते हो तो उस बट का फिर रेलिवेंस क्या है, अगर मैंने पहले ही कह दिया है कि SSR मर्डर जो है वो उसके जीने के जो अधिकार है उस पर और नेशनल सिक्योरिटी पर सवाल उठाता है और मेरे एफर्ट से ही सीबीआई इंक्वायरी आई सबसे पहले और मैंने ही नीतीश कुमार से बात की थी और मैंने उस समय बात की थी जब सुशांत के पेरेंट्स ने भी सीबीआई की डिमांड नहीं की थी और उसके बाद मैंने सुप्रीम कोर्ट से भी जो है बात की, वहाँ का भी दरवाज़ा खटखटाने की बात कही थी। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने क्लैरिफाई की है। उन्होंने एक पीएम को लेटर लिखा था जिसका एक नॉलेज लेटर उन्हें रिप्लाई में आया था जिसमें कहा गया था कि ठीक है जो भी अपडेट होगा जो भी कोर्स ऑफ एक्शन हुआ होगा आपको अपडेट दिया जाएगा, जिस पर किसी ने पूछा कल दिवाली के मौके पर कि डॉक्टर स्वामी क्या हुआ आपको कोई अपडेट मिला क्या, जिस पर डॉक्टर स्वामी ने जो रिप्लाई किया था उसी को अब फैंस बार बार पूछ रहे हैं कि हम आपकी बात मानते हैं कि नेशन हमेशा सबसे ऊपर है लेकिन कल्प्रिट्स को सजा तो मिलनी चाहिए, जिस पर अब डॉक्टर स्वामी ने कहा कि ठीक है अगर तुम बट बोलते हो कि तुम्हें पता है तो इसका रेलिवेंस तुम्हारे ट्वीट में दिख नहीं रहा है। और जहां तक बात है जो डॉक्टर स्वामी के एफर्ट पर सवाल उठा रहे थे उनको जवाब दिया डॉक्टर स्वामी ने कि मैं वो पहला शख्स था जिसने सीबीआई की मांग की, जिसने पीएम को भी लेटर भेजा, इतना ही नहीं मैंने जो है नीतीश कुमार से भी बात की जब परिवार बात नहीं कर रहा था और सुप्रीम कोर्ट तक का जो है दरवाजा खटखटाया है। तो ऐसा डॉक्टर स्वामी ने अपने आप को जो है जिस तरीके से उनका कहने का ढंग था या जो वो कहना चाह रहे थे उसी बात को अब उन्होंने फैंस के लिए क्लैरिफाई किया है।